राधे कृष्णा मेरे दोस्तों, इडियाची चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राधा का विवाह कृष्ण से क्यों नहीं हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। कई शास्त्रों में माना गया है कि राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं थे, वे दोनों एक ही थे। तो एक ही व्यक्ति कैसे विवाह कर सकते थे? एक दूसरी कथा में माना गया है, राधा तो जीवात्मा थी और कृष्ण तो परमात्मा। राधा का निस्वार्थ प्रेम कृष्ण के प्रति एक परम निष्ठा और प्रेम था। राधा ने अपना सब कुछ कृष्ण पर निशावर कर दिया था, यानी वह एक हो गए थे। ऐसे मिलन को विवाह से ऊपर माना गया है। कई लोगों का मानना है श्री धामा के अभिशाप के कारण कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया। श्री धामा श्री कृष्ण का एक भक्त और मित्र था, जो भक्ति को प्रेम से अधिक मानता था। इसीलिए उनसे क्रोध में आकर एक दिन राधा को श्राप दिया कि वह कृष्ण से जुड़े सभी जानों को भुला देगी और पाताल लोक में 100 वर्ष रहेगी। इस कारण ब्रह्मा ने कृष्ण को विष्णु के 9 अवतार के रूप में जाने को कहा और राधा को शाप से मुक्त कराने का निवेदन किया। इसलिए अभी राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। एक और कहानी में माना गया है कि राधा पृथ्वी पर प्रेम का महत्व और सही अर्थ बताने के लिए जन्म लिया था। जो आप राधा और कृष्ण के प्रेम भावना की शक्ति के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही राधा कृष्ण ने जय भी धरती में जन्म लेकर बताया कि प्रेम को किसी विवाह रूपी समझौते में बांधकर नहीं रखा जा सकता। राधे राधे।